मैं समय मौजूद हूँ अलीराजपुर के बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति की बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं किशोर शाह और प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता नागर सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। किशोर भाई, क्या तैयारी है लोकसभा को लेकर? आप जिलाध्यक्ष भी हैं और जिला संयोजक भी हैं लोकसभा के। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक घर घर तक पहुंचकर लोकसभा को विजयी बनाने के लिए और केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कृतसंकल्पित है। अभी 12 तारीख से मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसलिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा करके और 2 मार्च तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं, कमल ज्योति और मेरा परिवार भाजपा परिवार, प्रधानमंत्री जी के मन की बात और लास्ट में प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद कार्यकर्ताओं के साथ 28 तारीख को, उस हेतु भी हमने प्रत्येक केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का संदेश कार्यकर्ता तक पहुँचे, इसलिए संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। और आज हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता, संवैधानिक कार्यकर्ता जिनकी यह बैठक है, इस जिले में 103 पूर्णकालिक कार्यकर्ता आज यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और संभवतः मुझे जहाँ तक जानकारी 24 तारीख को मध्य प्रदेश लोकसभा के प्रभारी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी अलीराजपुर आ रहे हैं और वे भी कोर ग्रुप की बैठक के साथ अलीराजपुर में ही मीटिंग करेंगे। और इस तरह हमने पूरी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में विजय बनाना, क्योंकि यहाँ भी बहुत कम अंतर है, मात्र 29,000 वोटों से कांग्रेस से हम पीछे हैं। तो ऐसे में हमारा कार्यकर्ता और इस जिले का मतदाता जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है कांग्रेस से, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में भारी बहुमत के साथ विजय हो, इसलिए कार्यकर्ता लगा हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से मुद्दे क्या होंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां या कमलनाथ सरकार की विफलताओं के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? राष्ट्र से बढ़कर कोई मुद्दा नहीं, ऐसा सबने माना है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जातिवाद के नाम पर जो भड़का करके वोट को डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, गरीब के लिए, गाँव के लिए जो योजनाएं बनाई है उसको मूर्त रूप में लेने के लिए अगले 5 साल इस देश की जनता पुनः नरेंद्र मोदी को देगी, ऐसा मेरा मानना है। नागर सिंह जी, कर्ज माफी के को लेकर बड़े बड़े दावे हैं कमलनाथ सरकार के, आपको क्या लगता है कितनी कारगर है? क्या लोकसभा में आपको दिक्कत होगी इससे? देखिए, कांग्रेस ने जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा और उस समय कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, अब ये मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कर्ज माफी की श्रेणी क्या है। आज आप और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो 31 मार्च 2018 का आदेश पारित किया है, ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मार्च 2018 के बाद किसान नया और जूना करता है। मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने झूठ का सहारा लेके किसानों से वोट लिया है और आज किसान बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, बैंक में पता ये लगा रहे कि बैंक में पैसा हमारा माफ हुआ या नहीं हुआ। और आने वाले समय में जिस किसान ने कांग्रेस की सरकार बनाई है, आने वाले लोकसभा चुनाव में किसान ही कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल में काम किए, वास्तव में देश हित में बहुत सारे काम किए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हम करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में घर घर बिजली की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी योजना है, उसके माध्यम से जो हमारे आदिवासी किसान भाई को जो लाभ मिला है, उसके माध्यम से इस बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्र में कांग्रेस का स्टैंड है आधार कार्ड को लेकर कि बीजेपी पर आरोप लगाती है कि ये सब परेशान करने के नियत से होता है, और राज्य में कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी के लिए इसको अनिवार्य कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये दोहरा रवैया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था को सुधारने के लिए योजना बनाई आधार कार्ड की। कांग्रेस जब केंद्र में उसका विरोध करती है
और मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहाँ आधार कार्ड अनिवार्य करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर कर्ज माफी के नाम से नीले पीले और सफ़ेद कार्ड जो भरवाए गए हैं, उसमें मुझे पता चला है कि जो सफ़ेद कार्ड पे जिनके फार्म भरे हैं उनमें किसी के भी आधार कार्ड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ किसानों का कर्जा माफ करने से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस मध्य प्रदेश में आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू की है। तबादलों को लेकर सरकार पे बहुत आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि 32% ऐसे तबादले हैं जो करने के बाद फिर निरस्त कर दिए गए या बदल दिए गए। प्रदेश प्रवक्ता हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार तबादले का जो उद्योग चल रहा है, आपने देखा होगा कि एक अलीराजपुर छोटा सा ज़िला है, यहाँ पर 2 महीने में करीब करीब सभी अच्छे अधिकारी जिनका जनता में कोई आक्रोश नहीं था, जनता चाहती है, उसके बाद भी उनके तबादले कांग्रेस की सरकार ने किए हैं, उससे लगता है कि ये कांग्रेस ने ये स्थानांतरण नीति का उद्योग स्थानांतरण, मुझे लगता है कि पैसों के लिए कर रहे हैं लोग, कि जो पैसा देगा उसको पोस्टिंग मिले। आपने देखा अलीराजपुर में ये स्थिति हो रही है, रोज ट्रांसफर, SP बदल गया, कलेक्टर बदल गया, CO बदल गए, जनपद के CO बदल रहे, BO BRC चेंज हो रहे। मुझे लगता है कि ये एक उद्योग है, और मुझे, मैं ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में छात्र जो पढ़ रहे हैं उनका जो परिणाम आने वाला है, मुझे लगता है कि ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय का जो शिक्षा का परिणाम आने वाला है बहुत ही आश्चर्यजनक आने वाला है। उस समय हम कांग्रेस के लोगों से जवाब चाहेंगे। तो आपने किशोर शाह जी को, नागर सिंह जी को सुना, पार्टी अब एक्शन मोड में है, उम्मीद है कि अलीराजपुर ज़िले में कुछ बेहतर करेगी। अलीराजपुर ज़िले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए अलीराजपुर लाइव के साथ।